और अब मैं आपको एक मिर्ची का कमाल दिखाता हूँ भाई। देखिए मिर्ची का वड़ा जो है बड़ा जबरदस्त बनता है। मिर्ची से एक मैं और डिश बनाता हूँ जो बहुत ही पसंद आती है, लेकिन ये जो रेसिपी है ये रेसिपी भी बहुत जबरदस्त है, स्नैक के रूप में बड़ी अच्छी लगती है। वैसे मिर्ची का जो सालन है बिरयानी में बड़ा अच्छा वो कॉम्बिनेशन है, लेकिन ये जो है कॉम्बिनेशन ये है मोज़रेला और मिर्ची का। और ये जो मिर्ची है मोटी वाली मिर्ची, अब देखिए ये जो मिर्ची है ये वाली मिर्ची थोड़ी छोटी थोड़ी मोटी ये ले लें, बहुत ज़्यादा तीखी नहीं होती ये मिर्ची। तो ये लेकर इसमें इस तरह से चीरा लगाया, और चीरा लगा के आप ये जो है ना इसमें एक्स्ट्रा बीज जो है ये निकाल लेने हैं। ये देखिए ये जो बीज हैं ये निकाल लें। ये थोड़ा सा काम ये टाइम कंज्यूमिंग होता है। ये लिया, ये देखिए ये मिर्चों में से मिर्च के बीज निकाल लिए, ये निकाल लिए। अब ये मिर्च तैयार हो गई। तो ये ऐसे ही मैंने मिर्च जो है उसमें से बीज निकाले हुए। तो ये मिर्च का तो काम हो गया। अब यहां पर कढ़ाई रखी हुई है, कढ़ाई में तेल, तेल गर्म होने के लिए रख दिया। अब क्या करना है, अब ये हमारे पास जो है ये है मोज़रेला चीज, वो चीज जो बेक होने पे ओवन में डालने में ये मेल्ट हो जाता है। तो ये लेकर इसके अंदर हम डालेंगे, ये है मिक्स्ड हर्ब्स, ड्राइड हर्ब्स मिक्स, और उसके साथ साथ इसके अंदर डालेंगे चाट मसाला। चाट मसाले में नमक भी होता है, खटाई भी होती है। और ये अब जो है ये तैयार हो गया मसाला, ये हो गई हमारी स्टफिंग तैयार। इसमें जो चीरा लगाया ना ये इसलिए लगाया ताकि इसको स्टफ कर सके। तो ये स्टफ करेंगे इसके साथ में। तो ये लिया और इसमें आप इसे थोड़ा सा ये लेकर इसको अच्छी तरह से दबा देना है। अच्छा, कई बार जो चीज है काफी ड्राई हो जाता है तो उसको थोड़ा सा मॉइस्ट भी कर सकते हैं, हल्का सा इसके अंदर पानी डाल सकते हैं। तो ये जो मिर्च है ये ली, इसके अंदर ये चीज जो है ये दबा देना है। ये लिया, इसको दबा दीजिए। ये देखिए ये मतलब जैसे पराठे जो हैं उसके अंदर स्टफिंग बराबर ना हो तब तक मजा नहीं आता। तो ये जो मिर्च है ना जब तक इसके अंदर ये चीज पूरा ना हो तब तक मजा नहीं आता। तो ये ऐसा भरने से नहीं, इसको दबा के भरने से ही मजा आएगा। अच्छा, ये मेरे पास में है बेसन, और बेसन के साथ में ये है कॉर्न स्टार्च, थोड़ा सा कॉर्न स्टार्च इसके अंदर डालना है हमें, और फिर इसके अंदर नमक, सॉल्ट टू टेस्ट, थोड़ी सी हल्दी, इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर। भाई देखिए उसके अंदर हरी मिर्च है, हरी मिर्च के अंदर चीज है, लाल मिर्च पाउडर भी, और ये थोड़ा खाने का सोडा। ये सब चीजें इसके अंदर मिक्स करनी है, और इसको मिक्स करके इसका थिक बैटर हमने तैयार करना है। तो ये बैटर के लिए अब पानी, पानी डाल के जरा इसमें मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से। ये लीजिए ये बैटर जो है ये अब तैयार अच्छी तरह से। हाँ बस बैटर तैयार, मसालेदार बैटर है, इसके अंदर सारी चीजें हैं। और इसमें अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए इसे फ्राई करना। तेल जो है वो गरम, और इसमें ये जो मिर्च है ये ली, इस तरह से डुबोई, ये देखिए ये, और डुबो के हल्का सा ऐसे किया तेल के अंदर, लिया डुबोया बस तेल के अंदर, पलट लें पलट लें। मजेदार मिर्ची वड़े जैसे लग रहे हैं ना। ये देखिए ये जो मिर्च है एकदम मजेदार, वाह क्रिस्प करारी मिर्च। और ये मिर्च जो है ये भी तैयार, ये मिर्च जो है
ये भी तैयार। इसे सर्व करने के लिए ये लीजिए मिर्च गर्मा गर्म जब निकले तो उसके बाद ये देखिए अंदर से चीज का क्या हाल होता है। बस ऐसे ही काट के इसको सर्व करना है और गर्मा गर्म सर्व होनी चाहिए। ये मिर्चें जो हैं गर्मा गर्म सर्व होंगी तभी मजा आएगा। तो ये लीजिए इसे गर्मा गर्म चीज के साथ में, वाह मजेदार मिर्चें। भाई ये मिर्चें जो है ना इसको काट के सर्व कीजिए क्योंकि एक तो थोड़ी ठंडी हो जाएंगी और आपको पता चल जाएगा कि ये मिर्चें खा रहे हैं। वैसे दिखती तो है मिर्चें लेकिन अब उसके साथ में ऐसे अंदर से चीज निकल रहा हो, क्या बढ़िया टेस्टी, और थोड़ी सी ठंडी भी हो जाती है। नहीं तो बहुत ज्यादा गर्म खाने में दिक्कत होती है। अब जैसे ये थोड़ी सी ठंडी हो गई है अब इसे खाने में दिक्कत नहीं है। ये तो होगा ही, पिज्जा वाला चीज है, पिज्जा में भी तो ऐसी होता है, मिर्चों में भी हो जाएगा। तो लीजिए ये जो मिर्चें हैं गर्मा गर्म तैयार। अब मिर्चें गर्मा गर्म ऐसी होती हैं कि सीसी हो या गर्मी लगे या तीखा लगे या कुछ भी हो, इट्स हॉट इट्स सिजलिंग। मिर्ची पकौड़े और वो भी मोज़रेला के साथ में, चीज हो तो ऐसा हो।